सारे बच्चे पहले इस चीज को दिमाग में रखें कि जब हम फिजिक्स शुरू करते हैं तो शुरुआत में हमें कुछ मैथमेटिक्स सीखनी होती है, जिसको हम लोग मैथमेटिकल टूल्स टॉपिक के नाम से जानते हैं। आप ये देखिए कि पूरी फिजिक्स पढ़ने के लिए जितनी मैथमेटिक्स रिक्वायर्ड है, मैं बहुत बड़े लेवल पे नहीं कह रहा, मतलब 11 12th की बात अगर करें, 11 12th जो हमारे सिलेबस में जिस लेवल के की कैलकुलेशन हमसे करवाई जाती है, उस लेवल की जो कैलकुलेशन में यूज होने वाली मैथ है वो हम शुरू में ही पढ़ लेते हैं। तो आप लोग पहले तो अपने दिमाग में ये रखिए कि हम लोग अभी फिजिक्स शुरू ही नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग कैलकुलेशन फिजिक्स में जो न्यूमेरिकल्स मिलेंगे या कुछ डेरिवेशंस होंगे उनमें जो कैलकुलेशन हमें करनी होगी उसमें जितनी मैथमेटिक्स रिक्वायर्ड है वो हम लोग यहां पर पहले ही पढ़ लेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम लोग वेक्टर यूज कर रहे हैं। पहली चीज आप ये समझ लीजिए कि वेक्टर होता क्या है। आप लोग देखिए, जो बच्चे आईआईटी एंट्रेंस की तैयारी करने के लिए आ रहे हैं वो लोग ध्यान से इसको समझें कि मैथमेटिक्स को इंजीनियर्स की लैंग्वेज बोला जाता है। मैथमेटिक्स एक लैंग्वेज है। जैसे जैसे हमें जरूरत पड़ती गई, नेचर में होने वाले कई इवेंट्स हैं जिनको समझाने के लिए हमें जैसे जैसे जरूरत पड़ती गई हम नई नई लैंग्वेज ढूंढते रहे। मैथमेटिक्स ही है ये, बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि डे बाय डे नए नए तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम्स आ रहे हैं, डे बाय डे नए नए तरीके की कंप्यूटर में लैंग्वेजेस आ रही हैं, बिल्कुल वैसा ही कुछ ये भी है। तो आप अगर बात करें एलजेब्रा की, बात करें ज्योमेट्री की, हाइट एंड डिस्टेंस या और भी जो मैथमेटिक्स में कई ब्रांचेस हैं जो आप लोग पढ़ेंगे, उसमें कैलकुलस भी नया होगा, वेक्टर 3D भी होगा, तो ये सारी की सारी लैंग्वेजेस हैं। आपको ये लैंग्वेजेस सीखनी है और बाद में इन लैंग्वेजेस को यूज करना है फिजिक्स में जो चीजें हम पढ़ रहे हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपको समझना कि आप इसको जिसे सब्जेक्ट मान रहे हैं वो एक लैंग्वेज है। और जैसे आप इंडिया में, पता है कि इंग्लिश की कितनी डिमांड है, इंग्लिश कोई लैंग्वेज इंडिया में रही नहीं, इंग्लिश एक स्किल है। तो अगर लैंग्वेज की बात करें इंग्लिश में, तो आप देखते हैं ना कि आपको एक लेवल की इंग्लिश आती है, लेकिन आप चाहे तो उसमें और इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। जैसे हम लोग हिंदी बोलना जानते हैं, लेकिन अगर हिंदी नॉलेज की बात की जाए तो हमें कितनी हिंदी की नॉलेज है, वैसे ही ये है कि आपको मैथमेटिक्स एक लेवल पे आती है। जैसे ही थोड़ा सा लेवल बढ़ा आपको क्वेश्चन टफ लगना शुरू हो जाते हैं, क्वेश्चन टफ लगने शुरू हो जाते हैं, आप कहते हैं यार मैं नहीं कर पाऊंगा। तो आप पहले ये तो समझे कि हम पढ़ क्या रहे हैं, हम एक लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स एक लैंग्वेज है। ठीक है, वेक्टर मैथमेटिक्स का पार्ट है। हम पहले बहुत बेसिक बेसिक मैथ, जितनी फिजिक्स में, और वो भी पूरी फिजिक्स की बात नहीं है, जितनी 11th में यूज होनी है, 12th में यूज होनी, हम केवल उतना पढ़ने जा रहे हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है कि अगर आप किसी कंट्री में जा रहे हैं, वहां उस कंट्री में जाने के लिए आपने 10 12 20 सेंटेंसेस सीख लिए, आप कैसे हैं, होटल कहां पर है, खाने का जगह कौन सी है, मुझे वहां जाना है, प्लीज हेल्प करिए, नमस्ते, गुड बाय, आप उस देश में यूज होने वाले कुछ फ्रीक्वेंटली यूज होने वाली चीजों को सीख लेंगे। बिल्कुल वैसे ही है, हम कुछ बहुत कॉमनली यूज होने वाली चीजें केवल सीखने जा रहे हैं। तो परेशान नहीं होना, आप ये नहीं सोचना कि मैंने सब कुछ पढ़ लिया या मैंने अगर कम पढ़ा है तो क्यों। ठीक है, तो पहले रीजनिंग आपकी, मतलब इसको पढ़ने से पहले दिमाग में ये बात क्लियर होनी चाहिए कि हम अगर लिमिटेड पढ़ रहे हैं तो क्यों, और लिमिटेड ही हमें पढ़ना भी है। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहला है स्केलर क्वांटिटीज। आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा स्केलर क्वांटिटीज क्या होता है, क्वांटिटीज जिनमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, मतलब अगर उन क्वांटिटीज को आपको डिटरमाइन करना है तो केवल मैग्नीट्यूड से ही हो जाएगा। जैसे कि हम मास बोलते हैं, मास अगर 4 kg है तो 4 kg किसी ऑब्जेक्ट का अगर मास है तो उसमें इस बात की जरूरत नहीं है कि वो किस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो 4 kg केवल मैग्नीट्यूड से ही हमने मास को बता दिया। तो डेफिनेशन के हिसाब से जो चीज लिखी हुई है वही मैंने आपको समझाया, क्वांटिटीज विच कैन बी डिटरमाइंड बाई
मैग्नीट्यूड ओनली। कुछ एग्जांपल है, जैसे मास है, डेंसिटी है, वॉल्यूम एटसेट्रा, कई सारे और एग्जांपल्स हो सकते हैं, ठीक है। स्पीड आपने पढ़ा होगा, डिस्टेंस आपने पढ़ा होगा, कम से कम नाइन्थ में आपने इतनी चीजें पढ़ी हैं। तो आप इसमें चाहें तो स्पीड और डिस्टेंस और स्पीड, ये दो चीजें और ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज भी आपने पढ़ा है, क्वांटिटीज विच कैन बी डिटरमाइंड बाय मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ये आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, मैंने लिखा भी है, क्वांटिटीज विच कैन बी डिटरमाइंड बाय मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। लेकिन ये देखिए दो लाइनें, एक लाइन मैंने और लिखी है, और वो एक लाइन क्या है, एंड मस्ट फॉलो द लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है और जिनके पास डायरेक्शन होती है, केवल वही वेक्टर क्वांटिटीज होते हैं ऐसा नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है, केवल ये दो चीजें हैं, तो वो वेक्टर क्वांटिटी होगा, ऐसा नहीं है। कुछ लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन भी है, कुछ लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा है, ये जो मैथ है वेक्टर, तो इनके लॉज को जो फॉलो करेगा वो वेक्टर क्वांटिटीज होंगे, ठीक है। अब इसी स्टेटमेंट को हमें पूरे चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ना है, वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर के कुछ लॉज जितनी हमारे फिजिक्स में यूज होने वाले। एग्जांपल मैंने बताया, एक और मैंने चीज लिखी है, टेंसर क्वांटिटी, ये नया है, और इसको बताना मैं इसलिए जरूरी समझ रहा हूं क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि बच्चे जैसे ये टेंसर क्वांटिटी सुनते हैं, उनको लगता है यार ये पढ़ा नहीं है, या बिना वजह इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, जो कि टाइम वेस्टेज है। तो हम टेंसर क्वांटिटी को शुरुआत में ही उठा लेते हैं। टेंसर क्वांटिटीज क्या है समझते हैं। जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज टेंसर क्वांटिटीज होती है, यानी कि एक कॉमन नेम जो है सारी क्वांटिटीज का, वो टेंसर है। सारी की सारी क्वांटिटीज टेंसर है। अब क्वांटिटीज को उनके क्वालिटी के हिसाब से कैटेगराइज किया है। अगर एक तरीके की क्वालिटी है तो उस टेंसर को हम क्या बोल देंगे, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो हम स्केलर को बोलते हैं क्वांटिटी विद रैंक जीरो। ये रैंक जीरो की टेंसर क्वांटिटी है, बस आप नाम जान लीजिए, स्केलर क्वांटिटी हुई रैंक जीरो की टेंसर क्वांटिटी, ऐसा बोला जाता है। डिटेल आपको जब हायर स्टडीज करेंगे तब आपको पढ़ने को मिलेगा। वेक्टर क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी होती है रैंक वन टेंसर क्वांटिटी, रैंक वन टेंसर क्वांटिटी। इसको बताने के कितने कॉम्पोनेंट्स होते हैं, एक होता है मैग्नीट्यूड, और तीन डायरेक्शन होती है, अलोंग एक्स, अलोंग वाई, अलोंग जेड। तो टोटल चार कॉम्पोनेंट हैं इस वेक्टर को बताने के लिए, डायरेक्शन के तीन और एक मैग्नीट्यूड हो गया, इसे बोलते हैं रैंक वन टेंसर क्वांटिटी, ठीक है। जो क्वांटिटीज इन दोनों के अलावा है वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, वो सारी की सारी टेंसर क्वांटिटीज है, ठीक है। आप टेंसर क्वांटिटी का एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। टेंसर क्वांटिटी का एग्जाम्पल है स्ट्रेस और स्ट्रेन, ये दोनों हमारे 11th के सिलेबस में है, आप केवल लिख लीजिए। टेंसर क्वांटिटी का एग्जाम्पल है स्ट्रेस और स्ट्रेन, इसके अलावा भी हैं, जैसे एक होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आप उसे भी लिख लीजिए, ठीक है। तो टेंसर क्वांटिटीज क्या है, सारी की सारी क्वांटिटीज टेंसर क्वांटिटी होती है। टेंसर को कैटेगराइज किया जाता है तो स्केलर, वेक्टर, और दो और क्वांटिटीज बनती हैं, एक का नाम है डायड, डी वाई ए डी, और एक होती है ट्रायड, ठीक है। तो ये केवल आप अपने जनरल नॉलेज के लिए लिख लीजिए, दो नाम मैंने जो बोले वो आप लिख लीजिए। एक का नाम मैंने बोला डायड, स्पेलिंग होती है डी वाई ए डी, और एक होता है ट्रायड, उसकी स्पेलिंग लिखिए टी आर आई ए डी, टी आर आई ए डी। तो हमारे पास टोटल कितनी क्वांटिटीज हैं, स्केलर, वेक्टर, डायड डी वाई ए डी और ट्रायड टी आर आई ए डी, ये क्वांटिटीज हैं। डायड और ट्रायड हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है, डायड और ट्रायड अभी हमें नहीं पढ़ना है, केवल हमें स्केलर और वेक्टर पढ़ना है, ठीक है। तो इसको आप लोग कम से कम इतना याद रखिए, डन, इसको जल्दी से नोट करिए आप लोग। अब बात करते हैं केवल और केवल वेक्टर क्वांटिटीज की, ठीक है। पहली चीज दिमाग में ये रखिए कि जो आपने नाइन्थ और टेंथ में पढ़ लिया है वही हमें 11th और 12th में पढ़ना है। कुछ चैप्टर्स अलग हो जाएंगे, और उसका रीजन ये है कि 9th और 10th में एकेडमिक्स लेवल पे जो आपने पढ़ा है,
अगर आप 9 10th के ही लेवल पे कुछ कॉम्पिटिटिव स्कॉलरशिप एग्जाम अगर आप देखें या ओलंपियाड देखें तो उसमें कुछ चैप्टर्स और आते हैं, वो 9 10th के लेवल पर ही पढ़ा दिए जाने चाहिए, लेकिन एनसीईआरटी में वो कवर नहीं किए गए। अगर हम उनको भी मान लें तो हम बिल्कुल कह सकते हैं कि जितने चैप्टर्स हमने 9th और 10th में पढ़े हैं उन्हीं का एडवांस फॉर्म हमें 11th और 12th में पढ़ना है। तो पहली चीज तो आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि ओके मैंने तो केवल और केवल 9th 10th की ही चीजें पढ़नी है और तो कुछ पढ़ना ही नहीं है। अब इसमें क्या क्या डिफरेंसेस आ जाएंगे, थोड़ा सा सिलेबस बढ़ेगा, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा। डिफिकल्टी लेवल बढ़ाने में एक चीज तो है कि थोड़े से क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल होंगे और मैथमेटिक्स ज्यादा मिल जाएगी। उसमें से एक मैथमेटिक्स ये है जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं, वेक्टर। इसको हम समझते हैं। वेक्टर में आप क्या पढ़ेंगे, जब डायरेक्शंस इन्वॉल्व हो जाती हैं तो हम ऐड कैसे करते हैं। आप लोगों ने छोटी क्लास में जो पढ़ा है उसे देखिए। अगर किसी ऑब्जेक्ट पर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगा 5 न्यूटन और इसी डायरेक्शन में एक और फोर्स लगा 3 न्यूटन, ये कोई चीज है जिसको दो लोग मिलकर खींच रहे, एक ने 5 का फोर्स लगाया एक ने 3 का, तो नेट फोर्स कितना आ गया 8, और ये ऑब्जेक्ट किधर चलेगा, जिधर फोर्स लग रहा है, आप लोगों ने 9th में पढ़ा। अगर हम इन दोनों को अपोजिट डायरेक्शन कर दें तो 5 और 3 ज्यादा कौन है 5, तो ये 2 के नेट फोर्स से आगे बढ़ेगा क्योंकि 5 माइनस 3 कैंसिल आउट हो जाएगा 3। अब यहां पर बात है कि आप सोचकर देखें कि कोई एक चीज आपने यहां पर ली, रस्सी से बांधी, यहां पर टेबल पे कोई चीज रखी है और आपने धागा यहां से इसके ऊपर से इधर ला दिया और आप यहां खींच रहे हैं और यहां खींच रहे हैं। बताओ मेरे को, ये चीज टेबल पे रखी हुई है, जब आप दोनों तरफ से खींचेंगे तो ये कहां जाएगा, सोच कर बताओ। ये ना तो यहां जाएगा ना यहां जाएगा, ये रिजल्टेंट यहां कहीं जाएगा। अब ये रिजल्टेंट जो आया वो कैसे आया, इसी चीज को हम यहां पर पढ़ेंगे और थोड़ा सा और इससे एडवांस चीजें पढ़ लेंगे। यहां पर डायरेक्शंस इन्वॉल्व हो गई, डायरेक्शंस को ऐड कैसे करते हैं। एक फोर्स मैंने लगाया 5 ईस्ट डायरेक्शन में और एक फोर्स मैंने लगाया 3 नॉर्थ डायरेक्शन में, ऑब्जेक्ट कहां जाएगा, कहीं बीच में जाएगा। हम 3 और 5 को देखेंगे 8 आएगा, लेकिन ये जो फोर्स होगा रिजल्टेंट ये 8 नहीं होगा, ये फोर्स 8 नहीं होगा, कुछ और होगा, ना 3 ना 5, ये 8 से कम होगा। ठीक है, अब पहली चीज है मैग्नीट्यूड कैसे आया और दूसरी बात है कि ऑब्जेक्ट यहां क्यों गया, तो डायरेक्शन कैसे आई। तो जब हमें चीजों को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, तो ये 4 मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं जिनको हम लोग बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं। लेकिन इन चारों ऑपरेशंस में अगर डायरेक्शंस इन्वॉल्व हो गई तो हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ये हमने नहीं सीखा। तो आपने 10th तक जितना पढ़ा है वो सारे के सारे टॉपिक एज इट इज आप आगे पढ़ोगे, लेकिन अब उसमें डायरेक्शंस इन्वॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, तो जब डायरेक्शन इन्वॉल्व हो जाती है, आप थोड़ा सा आइडिया आपको लग रहा है कि जब डायरेक्शंस इन्वॉल्व हो गई तो हम चीजों को ऐड कैसे करें, जब डायरेक्शंस इन्वॉल्व हो गई तो हम चीजों को सब्ट्रैक्ट कैसे करें, मल्टीप्लाई कैसे करें, डिवाइड कैसे करें। ठीक है, तो ये चीजें अब हमें यहां पर समझनी है। ठीक है, तो ये यहां पर मैंने जितना बताया, मैं ये चीज आपसे बार बार बोलूंगा, वीडियो को पॉज कर करके बार बार जो मैं बोल रहा हूं उसको भी लिखें। जब आप जिन लोगों ने पहले कोचिंग नहीं ली होती है उन लोगों के साथ प्रॉब्लम ये होती है, उनको स्कूल की तरह पढ़ने की आदत होती है कि जो टीचर जब डिक्टेट करवाएंगे वो लिखना है। आप लोग पहले दिन से याद रखिए, जो टीचर बोल रहे हैं एक्सप्लेनेशन पार्ट है उसे भी आपको नोट करना है, आपको नोट्स नहीं बनाने, आपको लेक्चर नोट करना है। ठीक है, तो पूरे लेक्चर को आप नोट करने की कोशिश करिए, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्योंकि स्कूल के नोट्स होते हैं डेफिनेशन डेरिवेशंस, बस हम डेफिनेशन डेरिवेशंस तो करेंगे, उसके साथ एप्लीकेशन वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को करेंगे और इन वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को के लिए भी आपको पूरा लेक्चर नोट करना पड़ेगा। तो यहां पर मैंने बहुत सारी चीजें बताई, वो सारी आपको लिखनी चाहिए। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करिए, उसको फिर रिपीट करिए और यहां पर जो जो पॉइंट्स आपको मिले ये इन सब पर कुछ कुछ आप लिखिए। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये जो वेक्टर क्वांटिटी है इसके बारे में हम देखते हैं कि इसका कुछ रिप्रेजेंटेशन होगा, क्योंकि जब हम कैलकुलेशंस करेंगे तो हम कुछ सिंबल यूज करते हैं इसे नोट करने के लिए, इसको डिनोट करने के लिए। तो पहले जरा देखते हैं इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है। देखिए, जब भी आप किसी वेक्टर को लिखेंगे तो आप किसी अल्फाबेट के ऊपर एरो लगाएंगे। एक अल्फाबेट हो सकता है या दो अल्फाबेट हो सकते हैं, बस इतना ही होता है। या तो आर लिख सकते हैं या फिर आप लिखेंगे ए बी वेक्टर, कुछ भी। और ये आर आपने कैसे सेलेक्ट किया? जो जो वेक्टर क्वांटिटी है आप उन वेक्टर क्वांटिटी का जो पहला अल्फाबेट है उसे ले लो। जैसे मैंने बोला फोर्स, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो फोर्स के लिए हम लिखेंगे एफ वेक्टर। मोमेंटम, मोमेंटम के लिए हम लिखेंगे पी। मोमेंटम में एम नहीं आएगा, ठीक है, पी। ये धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं वेलोसिटी लिख रहा हूं तो वेलोसिटी। इसके बाद अगर मैं डिस्प्लेसमेंट लिख रहा हूं तो डी वेक्टर, आर वेक्टर, एस वेक्टर। और भी अगर कोई वेक्टर क्वांटिटीज होंगी तो वो आगे जैसे जैसे सिलेबस बढ़ेगा हम उसको पढ़ेंगे। तो यहां पर हमने सीखा क्या कि कोई भी अल्फाबेट उसके ऊपर अगर एरो लगा दें तो ये वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन होगा। मतलब अब अगर आप कभी बुक्स पढ़ते हैं और आपको ऐसा सिंबल आए लिखा हुआ दिखे तो आप समझ जाना कि वो कोई वेक्टर क्वांटिटी है। तो अल्फाबेट के ऊपर एरो लगाना ये वेक्टर क्वांटिटी को डिनोट करने का तरीका है। अब इस वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड होता है, तो इसके दो कॉम्पोनेंट है। एक है मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड को लिखने के लिए हम लिखेंगे मॉड ऑफ आर वेक्टर, या फिर केवल आर भी लिख दे तो भी ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। और अगली चीज आती है डायरेक्शन। डायरेक्शन को डिनोट करने के लिए हम लिखते हैं आर कैप, आर कैप। तो ये हो गया डायरेक्शन, ठीक है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कोई हमें डिटेल में भी आगे और पढ़ना है। तो वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके, और वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका। और इसका प्रोनंसिएशन क्या है, मैग्नीट्यूड को बोलते हैं मॉड ऑफ वेक्टर आर, मॉड, एम ओ डी ई, मॉड ऑफ वेक्टर आर, या फिर केवल आर, एरो मत शो करिए, और ये होगा आर कैप, सी ए पी, ठीक है। ये हो गया वेक्टर और उसके मैग्नीट्यूड डायरेक्शन के रिप्रेजेंटेशन। अब आगे बात करते हैं। सबसे पहले वेक्टर में हमें सीखना है डायरेक्शन, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो हम कई बार पढ़ चुके हैं, ठीक है, डायरेक्शन हमने नहीं सीखी है। तो डायरेक्शन को हम पहले समझना शुरू करते हैं। डायरेक्शन को समझने के लिए आपको एक छोटी सी मैथमेटिक्स और पता होनी चाहिए। शायद आपने इसको 9th या 10th में सीखा है, देखते हैं क्या। यह है एक राइट एंगल ट्रायंगल। इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मैंने इसे थीटा बोला तो यह होगा परपेंडिकुलर, ये होगा बेस, और ये होगा हाइपोटेन्यूज। आपने इसमें जो फॉर्मूले पढ़े, पहला तो पढ़ा है हाइपोटेन्यूज होता है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। फिर आपने पढ़ा है साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहां से आपको मिलेगा परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज साइन थीटा। ये इस तरीके से हम यूज करेंगे। अगर आपको हाइपोटेन्यूज दिया है तो आप परपेंडिकुलर पता कर सकते हैं, हाइपोटेन्यूज इनटू साइन थीटा। और अगर कॉस थीटा का फॉर्मूला देखें जो आपने ऐसे पढ़ा है, तो यहां पर बेस आ जाएगा एच कॉस थीटा। तो अगर आपको थीटा और हाइपोटेन्यूज दिया हो तो आप परपेंडिकुलर और बेस कैसे निकालेंगे। छोटी क्लासेस में पी और बी दिया होता था आपको, थीटा और मैग्नीट्यूड यानी हाइपोटेन्यूज का मैग्नीट्यूड निकालना होता था। यहां पर आप अगर आप tan थीटा भी देखें तो tan थीटा किसके बराबर होगा, p by b। ये इतनी मैथमेटिक्स जो आपने पहले भी पढ़ रखी, इसमें ये और ये तीन ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आप लोग नोट करिए, ठीक है। इसके बाद आगे बात करते हैं, इसको आप लोग नोट करिएगा। Thank you.
बात करते हैं डायरेक्शन की। वेक्टर डायरेक्शन को बताने का एक मैथमेटिकल वे है, लेकिन इस मैथमेटिकल वे के अलावा जो हम कन्वर्सेशन में यूज करते हैं वो डायरेक्शन को बताने के लिए, हम ऐसे बोलते हैं आप सीधे चले जाइए, आप उल्टे चले जाइए, आप सीधे हाथ पर चले जाइए, उल्टे हाथ पर, सज्जे खब्बे, राइट लेफ्ट, दायां बायां, ऐसा बोलते हैं। आप पूर्व दिशा में जाइए, आप उत्तर दिशा में जाइए, आप दक्षिण दिशा में जाइए, ऐसा हम बोलते हैं। ठीक है, बहुत सारे तरीके। जो मैथमेटिकल वे है वो क्या है, वो हम पहले यहां पर सीखने जा रहे हैं। तो एक मैथमेटिकल वे है डायरेक्शन को बताने का, ये हमारे लिए है एक कार्टेशियन प्लेन, ये है ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट और साउथ। ये एक हमारे जनरल कन्वर्सेशन में यूज होता है, ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ। ठीक है, अब अगर ये डायरेक्शन है कोई 30 डिग्री, तो इसको मैथमेटिकल और जनरल दोनों तरीकों से मिलाकर डायरेक्शन को बोलने का तरीका होता है। ये आप देखें, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 30 डिग्री, ईस्ट से 30 डिग्री नॉर्थ की तरफ की डायरेक्शन है, तो इसको बोला जाएगा 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ईस्ट से 90 डिग्री पर होता है प्योर नॉर्थ, प्योर नॉर्थ ऐसा नहीं बोलते, बस नॉर्थ बोला जाता है। अब ये प्योर नॉर्थ नहीं है, 90 डिग्री पर नहीं है, 30 डिग्री है, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 30 डिग्री है, तो इसको बोलने का तरीका क्या है, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। आप सारे लोग को पता है कि ये एंगल 60 होगा, तो अगर हम नॉर्थ के रिस्पेक्ट में बोले तो ये होगा 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, करेक्ट। ठीक है, अच्छा कुछ और प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, ये ले लेते हैं 20 डिग्री। आप लोग खुद से इसका आंसर लिखिए, मेरे को तो लिखना ही है, आप खुद से भी इसका आंसर लिखिए। अगर साउथ से कंपैरिजन करो तो ये साउथ से कहां जा रहा है, वेस्ट की तरफ, कितने एंगल पर, 20 डिग्री। तो हम इसे लिख सकते हैं 20 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, और ये यहां से कितना एंगल बना रहा है 80, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 80 डिग्री साउथ, वेस्ट से कितने डिग्री का साउथ, 80 डिग्री ऑफ वेस्ट। ये एक तरीका हुआ। ऐसे ही आप हर कार्टेशियन, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड, फोर्थ, किसी भी क्वाड्रेंट में आपको किसी एक्सिस के साथ एंगल दिया हो तो आप अपने आप ये चीज लिख सकते हैं, नोट करिए इसको। अभी जो हम लोगों ने डायरेक्शन को पढ़ने का तरीका देखा, अब उसको वेक्टरली रिप्रेजेंट कैसे करें वो सीखते हैं। इसे सीखने के लिए आपको सीखना पड़ेगा यूनिट वेक्टर। तो आप सारे लोग लिखें यूनिट वेक्टर। क्या होता है यूनिट वेक्टर? अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 1, यूनिट मैग्नीट्यूड के वेक्टर को हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं, यानी कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होगा, ये चीज क्लियर। और यूनिट वेक्टर को यूज ही हम करते हैं डायरेक्शन बताने के लिए। तो वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड, यूनिट, यूनिट का मतलब 1, एक मैग्नीट्यूड के वेक्टर को हम बोलेंगे यूनिट वेक्टर। और इसे रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है आर कैप। अभी कुछ देर पहले आप लोगों ने इसे पढ़ा था ना, तो यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट, डिनोट करते हैं आर कैप। ये है कैप, एरो लगा दिया तो एक से ज्यादा मैग्नीट्यूड है, कैप लगा दिया तो फिक्स हो गया कि मैग्नीट्यूड 1 ही है, और इसे हम यूज करते हैं डायरेक्शन बताने के लिए। अब हम 3D की बात अगर करें तो हमारे पास 3 स्टैंडर्ड एक्सिस हैं, एक्स, वाई और बोल्ड के परपेंडिकुलर, जिसको हम ऐसे शो करेंगे। ये एक्स, वाई और जेड बोल्ड के परपेंडिकुलर है। एक्स एक्सिस को बताने के लिए हम यूज करते हैं आई कैप, ठीक है, जे कैप। ये एक स्टैंडर्ड बनाया गया कि एक्स, वाई और जेड के लिए हम ये ही नोटेशंस यूज करेंगे, आई कैप, जे कैप और इसे बताने के लिए के कैप। तो ये तो हमारी हो गई डायरेक्शन। अगर हम इसे ईस्ट तो ये वेस्ट होगा तो माइनस आई कैप, ये नॉर्थ तो ये होगा साउथ, माइनस जे कैप, ये आउटवर्ड के कैप, तो इनवर्ड माइनस के कैप, तो माइनस आई कैप,
माइनस जे कैप और इनवर्ड माइनस के कैप होगा, माइनस साइन क्या बताएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन। तो आई जे के पॉजिटिव एक्स वाई जेड एक्सेस रिस्पेक्टिवली है और माइनस आई माइनस जे माइनस के नेगेटिव एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव जेड रिस्पेक्टिवली एक्सेस है, ठीक है। तो हमें कम से कम छह डायरेक्शंस पता चल गई, आई जे के माइनस आई माइनस जे माइनस के आई जे के। अब जरूरी नहीं है ना कि सारी की सारी चीजें ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ अपवर्ड डाउनवर्ड इनवर्ड सॉरी आउटवर्ड इनवर्ड ही हो, इनके बीच में भी तो हो सकती हैं। बस इन्हीं इसी चीज को हमें समझना है, कैसे एग्जांपल देखते हैं। ये है नॉर्थ और ये है ईस्ट डायरेक्शन और हमने यहां पर एक डायरेक्शन ली 30 डिग्री। हो सकता है कि बोला गया हो कि कोई एरोप्लेन है जो 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, पढ़ा है हम लोगों ने ना 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट से 30 डिग्री का नॉर्थ इधर एक एरोप्लेन जा रहा है, ठीक है। तो डायरेक्शन तो हमें पता चल गई, लेकिन अब इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, तरीका सुनिएगा। डायरेक्शन निकालने का पहला तरीका, मतलब केवल यही तरीका नहीं अभी और भी है, ये पहला तरीका है। जिधर आपको डायरेक्शन चाहिए वहां पर आप वन मैग्नीट्यूड खुद से लेट कर लें, यानी कि ये होगा वन मैग्नीट्यूड और फिर इसे यहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करें ईस्ट में, तो आपको देखो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल गया, ये और ये, ठीक है। आपको याद होगा मैंने अभी बताया था कि अगर परपेंडिकुलर और बेस निकालना हो तो हाइपोटेन्यूज और थीटा यूज होता है। आप देखिएगा अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, परपेंडिकुलर मैंने बताया था एच साइन थीटा और बेस बताया था एच कॉस थीटा। तो ये है हाइपोटेन्यूज साइन 30, इसकी वैल्यू आएगी हाफ, और ये क्या है हाइपोटेन्यूज कॉस 30, इसकी वैल्यू है √3/2। डन। ये हमने ट्रायंगल का बेस और परपेंडिकुलर और बेस लिखा। अब इस डायरेक्शन को लिखने का तरीका, अगर ये पॉइंट ओ है और ये पॉइंट ए है तो ओ ए कैप, ठीक है, इसको हम आर कैप भी लिख सकते हैं। अगर ये वेलोसिटी होती तो वी कैप, वेलोसिटी की डायरेक्शन। अगर फोर्स लगता तो एफ कैप, फोर्स की डायरेक्शन, ठीक है। तो यहां पर आप इसे लिखेंगे, तरीका है √3/2 आई कैप। अलोंग एक्स कितना मैग्नीट्यूड है, √3/2 मैग्नीट्यूड और ये, प्लस पॉजिटिव जे है 1/2। अगर आप किसी मैथमेटिशियन को किसी इंजीनियर को ये बोलेंगे तो, क्योंकि उसने ये लैंग्वेज पढ़ रखी है, जैसे मैंने बोला हाउ आर यू, अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप हाउ आर यू का मतलब जानते हैं, ऐसे ही जिसे ये भाषा आती है अगर उसे ये लिखा हुआ मिलेगा वो तुरंत समझ जाएगा कि ये एंगल 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट है, ठीक है। तो ये 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट को लिखने का तरीका, हम ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। एक बार आप इसे अच्छे से वीडियो को रिपीट करके सुनिए और नोट करिए। अगर ये 45 डिग्री है और इसे ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ, ये इधर 45 डिग्री होगा, ये इधर 45 और ये इधर 45। देखिए नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट ये सारी डायरेक्शन हमें पता है। ये जो 45 डिग्री है ये एंगल बाइसेक्टर है, इसको भी हम इसके एक स्पेसिफिक नाम से जानते हैं, इसे हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ये होती है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, ये होता है साउथ वेस्ट और ये होता है साउथ ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। इस चीज को भी आप याद रखिएगा कि ये नोन डायरेक्शंस हैं। तो प्योर ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ, इनके लिए आई जे के, और बाकी अगर 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट 45 डिग्री कोई और एंगल होता है वो हमने अभी सीखा। अगर 45 डिग्री नॉर्थ ईस्ट ये है तो इसके लिए तरीका क्या होगा वो देखिए। अगर मेरे को इसे वेक्टरली रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि इसके लिए कोई स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं है,
ये और ये, यहां पर आप मैग्नीट्यूड क्या ले लेंगे, 1। फिर आप क्या करोगे, यहां से आप ड्रॉप करेंगे परपेंडिकुलर, ये मैग्नीट्यूड, ये परपेंडिकुलर एंगल के हिसाब से फिगर आएगा 1 साइन 45 और ये कितना आएगा 1 कॉस 45। ठीक है, इसकी वैल्यू 1/√2, इसकी वैल्यू भी 1/√2, ये ओ ये ए, तो ये ओ ए कैप कितना आ जाएगा 1/√2 आई कैप प्लस 1/√2 जी कैप। डायरेक्शन क्लियर? तो आप ऐसे और भी कई सारे क्वेश्चंस अपने आप करें। मैं 2 क्वेश्चन और करवा देता हूं क्योंकि मैंने केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ही करवाया, सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट और ले लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, देखते हैं। तो ये आप नोट करिएगा। इसके बाद देखिए, यहां पर कोई डायरेक्शन है और ये एंगल दिया है 30 डिग्री, आपको ये बताना है। तो करना क्या है, यहां पर आप लेंगे 1 मैग्नीट्यूड, एंगल किसके साथ दिया है, वहां पर आप ट्रायंगल लेट करेंगे, तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए। एंगल इधर दिया होता तो परपेंडिकुलर इधर, बेस आपको बनाना है ना, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर। अब यहां पर आपने मैग्नीट्यूड लिया है 1, तो ये हो जाएगा 1 साइन 30 और ये 1 कॉस 30। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, हाफ। इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, √3/2। अब कैसे लिखेंगे, ये O और ये पॉइंट A, तो आपको लिखना है O A कैप। देखिए x एक्सिस पे नेगेटिव है सेकंड क्वाड्रेंट, तो ये आ जाएगा -2 i कैप और y एक्सिस पॉजिटिव है प्लस √3/2 j कैप। अगर यहां पर कोई एंगल होता 60 डिग्री, परपेंडिकुलर कहां लेते हैं, एंगल है, एंगल के सामने परपेंडिकुलर होगा, तो आपने पहले ये लिया 1 मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड है 1, यहां से परपेंडिकुलर, ये आएगा 1 साइन 60 √3/2 और ये 1 कॉस 60। ठीक है, तो ये आ जाएगा हाफ। अगर हम इसे ओ और इसे बी बोले, तो यहां पर ओ बी कैप कितना आने वाला है, एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है, याद है कार्टेशियन प्लेन में थर्ड क्वाड्रेंट है, तो -2 आई कैप -√3/2 जे कैप। ये ट्रायंगल आपको बनाना आना चाहिए। एक क्वेश्चन फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए भी कर लेते हैं। मान लेते हैं यहां पर मैं जानबूझ के लोगों 30-45 क्यों ले रहा हूं, रीजन कि इन एंगल्स के बारे में साइन कॉस टेन थीटा आपको पता है। अगर ये इधर होता तो क्या करना होता, इधर आपने लिया है 1 मैग्नीट्यूड, ये आ जाएगा 1 साइन 30 हाफ और ये आ जाता 1 कॉस 30 √3/2। ये अगर सी होता तो ओ सी कैप, एक्स एक्सिस पर √3/2 आई कैप -2 जे कैप। ये कुछ एग्जांपल हैं। अगर हमें यूनिट वेक्टर पता करना है तो कैसे हम यूनिट वेक्टर पता करेंगे, डायरेक्शन कैसे पता करेंगे, ये एक तरीका है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सारे क्वाड्रेंट के लिए हम लोगों ने ये चीज पढ़ी है। इसे अगला टॉपिक लिखिए, पोजिशन वेक्टर। पोजिशन वेक्टर में लिखिए, अ लाइन ज्वाइनिंग ओरिजिन टू एनी पॉइंट इज नोन एज पोजिशन वेक्टर। अ लाइन ज्वाइनिंग ओरिजिन टू एनी पॉइंट, आपने पहले कार्टेशियन सिस्टम में पढ़ा है ऐसे इस पॉइंट को लोकेट करना है, तो आप क्या लिखेंगे, इसके कोऑर्डिनेट ए कॉमा बी। ठीक है, अब इसको वेक्टरली रिप्रेजेंट करना है, लोकेट करना है, उसे हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। ए कॉमा बी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में है ना, यहां से एक्स एक्सिस पर ए और वाई एक्सिस पर बी, इसे अगर आप वेक्टरली रिप्रेजेंट करें तो इसे हम बोल देंगे पोजीशन वेक्टर। तो आप ये देखिए, जस्ट इससे पहले हमने कॉम्पोनेंट बेस और परपेंडिकुलर पता किया था 1 यूनिट लेकर, अभी आपको पता है कि ये ए है और ये बी है,
इसे यहां से ज्वाइन करने वाली लाइन, तो ओ ए आप यहां पर डायरेक्ट लिख सकते हैं, उसका मैग्नीट्यूड 1 था। अगर इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा तो आप ओ ए कैप लिखिए, अगर मैग्नीट्यूड 1 नहीं है तो आप इसको वेक्टर लिखिए, ए आई कैप प्लस बी जे कैप, बड़ा सिंपल। और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कैसे लिखा जाता है, मैंने बताया मॉड ऑफ ओ ए या फिर ओ ए। इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा पाइथागोरस से, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यहां से आपको समझना है इसको लिखने का तरीका होता है, एक्चुअली यही है, ठीक है, बस एक और नई चीज हम पढ़ रहे हैं वेक्टर, इसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व हो गई है। तो अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखा जाएगा, आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर और जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, बस इतनी सी बात है। पहले हम केवल मैग्नीट्यूड पढ़ा करते थे, अब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड वाली चीज हम पहले पढ़ चुके हैं, ऐसा मैंने पहले नहीं बोला था, ये हम पढ़ चुके हैं। अच्छा जी, अब यहां पर एक और चीज है, अगर हमें इसकी डायरेक्शन लिखनी हो तो हम डायरेक्शन कैसे लिखेंगे। देखिए वेक्टर होता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, तो डायरेक्शन कैसी होती है, मॉड ऑफ ओ ए। तो अगर आपको कोई वेक्टर गिवन हो, देखिए अगर केवल डायरेक्शन गिवन है और उसको वेक्टरली रिप्रेजेंट करना है तो तरीका नंबर एक, वन मैग्नीट्यूड लेते हैं फिर परपेंडिकुलर और बेस पता करते हैं। लेकिन अगर आपको वेक्टर गिवन है यानी कि आई कैप जे कैप की फॉर्म में गिवन है तो आप उसका डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। देखिए लॉजिक ये है, इस ओ ए वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, अगर आप इसे उसके मैग्नीट्यूड से ही डिवाइड कर दें तो मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड कटा केवल डायरेक्शन बची, यही लॉजिक है। तो यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका है अगर वेक्टर आई कैप जे कैप के फॉर्म में गिवन हो, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, तो आप लिखेंगे ए आई कैप प्लस बी जे कैप डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। किसी भी पोजिशन वेक्टर को लिखने का तरीका ये तो हमने सीखा, साथ ही साथ अगर कोई वेक्टर गिवन है आई कैप जे कैप के फॉर्म में तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखा जाता है और उसकी डायरेक्शन कैसे लिखी जाती है वो और चीज हमने सीखी, ठीक है। इसे नोट, वेक्टर एडिशन, और वेक्टर एडिशन के हमें दो मेथड सीखने हैं, एक है हमारा ट्रायंगल लॉ, इसको समझते हैं। ये ग्राफिकल मेथड है, यहां से कोई फॉर्मूला निकल के नहीं आएगा, आप बुक्स पढ़ेंगे तो इसका एक फॉर्मूला भी बताया जाता है, बस मैं ये कह रहा हूं कि ये जो फॉर्मूला बताया जाता है वो हम पढ़ेंगे, लेकिन वो फॉर्मूला किसी और नाम को लेकर बताया जाता है। तो ट्रायंगल लॉ को आप समझिए, ये ग्राफिकल मेथड है। ग्राफिकल मेथड का मतलब है आप लोगों ने छोटी क्लासेस में ग्राफ पेपर पे जैसे कुछ कितने मार्जिन लेते हैं, इतने ब्लॉक्स बराबर इतना मैग्नीट्यूड होगा, तो फिर आप उसकी लाइन ड्रॉ करते हैं, वैसे यहां पर आपको जब कोई वेक्टर मिलता है तो आप उसको ग्राफ पेपर पे कैसे ऐड करते हैं वो चीज जरा समझते हैं। इस ट्रायंगल लॉ के लिए हमें क्या क्या चीजें सीखनी पड़ेंगी, सबसे पहली चीज है ग्राफ पेपर पे वेक्टर को हम लोकेट कैसे करते हैं। आपको वेक्टर जो दिया जाएगा सबसे पहले आप उसके मैग्नीट्यूड के बराबर कितने बॉक्स बराबर कितना मैग्नीट्यूड, टोटल मैग्नीट्यूड वेक्टर का क्या है, लाइन ड्रॉ करिए। ये लाइन यहां पर एंगल के हिसाब से होगी, जैसे डायरेक्शन गिवन होगी ना 30 डिग्री 40 डिग्री 45 डिग्री, ऐसा दिया होगा, तो आपको पहले वेक्टर ड्रॉ करना आना चाहिए। तो अगर कोई एक वेक्टर दिया गया तो आपने पहले उस वेक्टर को ड्रॉ किया, मैंने एक्स एक्सिस पर ले लिया, कोई और डायरेक्शन होगी आप उस पर ले लीजिए। जो वेक्टर आपने ड्रॉ किया उस पे आपने ये जो एरो दिखाया इसे बोलते हैं हेड, एच ई ए डी, हेड ऑफ द वेक्टर, और ये है टेल ऑफ द वेक्टर। तो आपने वेक्टर को ड्रॉ करना है सबसे पहले, इसके बाद दूसरा कोई वेक्टर आपको गिवन होगा उसे आप पहले वेक्टर के हेड से शुरू करें, यानी कि सेकंड वेक्टर का टेल पहले वाले वेक्टर के हेड पर होगा और आपने दूसरा वेक्टर ड्रॉ किया मार्जिन लेकर और फिर आपने दूसरा वेक्टर ड्रॉ किया। ये दो वेक्टर हो गए डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के हिसाब से। पहले वाले वेक्टर की टेल
और दूसरे वाले वेक्टर का हेड इन दोनों को मिलाने वाली लाइन ड्रॉ करिए, पहले वाले वेक्टर की टेल और दूसरे वेक्टर का हेड, इसे मिलाने वाली लाइन ड्रॉ करिए, इसे हम बोलेंगे वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब पता कैसे करेंगे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, बहुत सिंपल है। देखिए पहला आपने वेक्टर लिया ए, इसको ग्राफ पेपर पे कैसे सॉल्व करना है मैंने बताया। आपने दूसरा वेक्टर लिया बी, कैसे ग्राफ पेपर पे सॉल्व करना है। उसके बाद यहां से यहां स्केल से मेजर कर लीजिए कि कितनी दूरी आई है, ये होगा रिजल्टेंट। इसको वेक्टरली लिखने का तरीका है कि आपने ए और बी को विद डायरेक्शन ऐड किया है, और जो डी होता है उससे आप ये एंगल पता कर लीजिए कि ये ए के साथ कितना एंगल बना रहा है। तो ये मेजर करना है आपको ग्राफ पेपर पे, वेक्टर ड्रॉ करने हैं और उसके बाद पहले वेक्टर का टेल और आखिरी वेक्टर का हेड लेकर आपको ये ड्रॉ करना है, ठीक है। अब इसका मैं प्रैक्टिकल यूज, आपके दिमाग में तुरंत एक क्वेश्चन आएगा कि अगर दो वेक्टर से ज्यादा होंगे तो क्या करेंगे, तो भी यही रूल लगाना है, बस बोल देंगे ट्रायंगल की जगह लॉ ऑफ पॉलीगन मेथड, यही होगा, वो हमारा अगला टॉपिक है। इसका एक एग्जांपल देखते हैं, प्रैक्टिकल एक एग्जांपल। दो आप फ्रेंड्स लीजिए और एक फ्रेंड एक रिवर के पास और एक फ्रेंड एक बहुत दूर किसी रूम में बैठा है। जो एक फ्रेंड है जो रिवर के पास है वो किसी व्यक्ति को स्विम करता हुआ देख रहा है। मान लीजिए जो रिवर है उसका भी फ्लो है और रिवर का फ्लो है 3, फॉर एन एग्जांपल ये एग्जांपल ले 3 किलोमीटर पर आर, ये रिवर का फ्लो है। और एक स्विमर है जो 4 किलोमीटर पर आर से स्विम कर रहा है, 4 किलोमीटर पर आर से स्विम कर रहा है। तो आपको बताना है कि वो जो फ्रेंड, इसका नाम ए और एक रूम में बैठा है उसका नाम है बी, ये इस स्विमर को कैसा देखेगा। ये इंफॉर्मेशन देगा अपने फ्रेंड को फोन पर और वो फोन पे ये फिगर ड्रॉ करेगा। वो कहेगा कि रिवर किधर फ्लो कर रही है, 3 का मैग्नीट्यूड दिखाएगा। वो पूछेगा स्विमर कितनी स्पीड से चल रहा है, स्विमर रिवर के फ्लो के परपेंडिकुलर 4 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, वो ये बताएगा। तो उसको इस मेथड से ऐड कर देगा, रिवर के फ्लो के परपेंडिकुलर डायरेक्शन उसने बताई होगी। और वो जो दूर बैठा है रूम में वो तुरंत इसे मेजर करेगा, ठीक है, ये एंगल बताएगा और ये मैग्नीट्यूड बताएगा 5 किलोमीटर पर आवर। ये ए इसी डायरेक्शन में, आप देखिए रिवर भी फ्लो कर रही है और स्विमर इधर है, तो अगर रिवर इधर है और स्विमर इधर जा रहा है तो स्विमर तो इधर निकलेगा ना, रिजल्टेंट मोशन इधर दिखेगा। ये व्यक्ति जो देख रहा होगा वो एक फ्रेंड जो बी है जो किसी रूम में है, वो यही कैलकुलेशन करके बता देगा ये है ट्रायंगल लॉ। तो जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इन्वॉल्व होती है तो मैग्नीट्यूड भी ऐड करना है और डायरेक्शन भी ऐड करनी है, तब इसकी जरूरत पड़ती है, ये है वेक्टर एलजेब्रा। और वेक्टर एलजेब्रा में हम ऐड करना सीख रहे हैं, ये है वेक्टर एडिशन का तरीका, पहला तरीका, इसे हम बोलेंगे ट्रायंगल लॉ। इसे नोट करिए, ये है ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ के बाद अगला एक जो मैंने बोला था पॉलीगन लॉ, लॉ ऑफ या पॉलीगन लॉ, ये ट्रायंगल लॉ जैसा ही, बस ट्रायंगल लॉ में दो वेक्टर को ऐड कर रहे थे और रिजल्टेंट तीसरा वेक्टर था। अगर दो से ज्यादा वेक्टर होंगे रिजल्टेंट पता करने का वही ग्राफिकल मेथड है, बस हम उसे लॉ ऑफ पॉलीगन बोल देंगे। तो आपको क्या देखना है, पहला वेक्टर आपने लिया, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दिखाई, फिर दूसरे वेक्टर की टेल और पहले वेक्टर का हेड, ये दूसरा वेक्टर आपने शो किया, फिर आपने तीसरा वेक्टर शो किया, कैसे, फिर आपने फोर्थ वेक्टर शो किया। तो ऐसे आप कितने भी वेक्टर बनाते हैं, जब आप सारे वेक्टर को यहां पर ड्रॉ कर दें तो पहले वाले की टेल और लास्ट वाले का हेड, आप यहां पर एंगल पता कर लें, रेफरेंस तो लेना पड़ेगा ना, तो पहले वेक्टर के साथ एंगल हमने ले लिया, दूसरे के साथ भी आप एंगल ले सकते हैं, तीसरे के साथ भी, चौथे के साथ भी, कुछ तो रेफरेंस दिया होगा। ये वेक्टर था ए,
ये वेक्टर है बी, ये वेक्टर है सी, ये वेक्टर है डी। तो ये हुआ रिजल्टेंट वेक्टर ए, मैथमेटिकली लिखने का तरीका ये होगा। और ग्राफिकली आपने इसका मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट का और एंगल, ये दोनों चीजें आपने ग्राफिकली पता कर ली होंगी, ठीक है। तो ये हो गया लॉ ऑफ पॉलीगन, ट्रायंगल लॉ हमने पढ़ा और लॉ ऑफ पॉलीगन। इसके बाद एक इस पे बहुत अच्छा क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, ट्रायंगल लॉ और पॉलीगन पे, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। हम लोग क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन है कि एक रेगुलर हेक्सागन है, एक रेगुलर हेक्सागन, और बोला गया है कि इस ए बी सी डी ई एफ, ये आपको अगर ये रेगुलर पॉलीगन है तो हर साइड का मैग्नीट्यूड सेम होगा, मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन अगर हम इन साइड्स के अलोंग वेक्टर लेट करें तो वेक्टर सारे के सारे डिफरेंट होंगे। क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड ए और ए, लेकिन डायरेक्शन तो दोनों की अलग होगी, तो वेक्टर क्वांटिटी बदल गई। तो आपको बोला गया ए बी वेक्टर, वेक्टर बी है, ठीक है, और बी सी वेक्टर क्यू है। और आपसे क्वेश्चन बोला गया है कि आप पता करें ए सी वेक्टर, सी डी वेक्टर, ए डी वेक्टर, डी ई वेक्टर, ए ई वेक्टर, ई एफ वेक्टर, ठीक है। इतने आपको वेक्टर्स पता करने को बोला, और भी पूछा जा सकता है, और भी पूछे जा सकते हैं, ये आपको बताना है। इसमें एक मैं हिंट और दे रहा हूं, ये क्वेश्चन है, हिंट ये है कि जब आप ये डायगोनल शो करेंगे तो रेगुलर हेक्सागन में प्रॉपर्टी होती है कि ये जो डायगोनल है ये सामने वाली साइड्स के ऑपोजिट साइड के पैरेलल होता है और मैग्नीट्यूड में डबल होता है। अगर इसका मैग्नीट्यूड ए है तो इसका मैग्नीट्यूड होगा 2a, अगर आप यहां पर ड्रॉ करें तो c से f तक जो लाइन होगी वो इससे डबल होगी और पैरेलल, ठीक है। तो ये जो डायगोनल आप ड्रॉ करते हैं ऑपोजिट साइड से मैग्नीट्यूड में डबल होता है, ये प्रॉपर्टी का आप याद करें। अब आप इसका आंसर लिखिए कि क्या आएगा, ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मेरे को पता करना है AC वेक्टर, तो मैं क्या करूंगा, A से B, B से C पहुंचूंगा। जो डायरेक्ट रास्ता है वो रिजल्टेंट है और वाया जितने पॉइंट्स है वो सारे के सारे वेक्टर एडिशन। तो मैं लिखूंगा AC इज इक्वल टू A से B और B टू C, ट्रायंगल लॉ ये आ जाएगा AC, ठीक है ना। तो आप यहां पर लिखेंगे वेक्टर B प्लस वेक्टर Q, ये एक आंसर हो गया। इसके बाद देखो ये निकालना है CD, ये और ये पैरेलल है ना, लेकिन हमें पता नहीं है। ये चीज अगर आपको पता चल जाए, देखो BC वेक्टर है 2Q, ये 2Q, तो आपको AC पता है, पर ट्रायंगल लॉ के हिसाब से AC और CD ऐड होकर AD वेक्टर बनाएंगे, AC और CD वेक्टर होके AD वेक्टर बनाएंगे। तो आप लिखेंगे AD वेक्टर इज इक्वल टू AC वेक्टर प्लस CD वेक्टर। तो यहां पर CD वेक्टर कितना आएगा, AD माइनस AC। AD वेक्टर कितना होगा, AD वेक्टर आपको पता, हाँ AD आपके लिए हो गया 2Q और AC वेक्टर आपने पता किया है P, माइनस था तो माइनस, तो ये आ गया Q माइनस P, ठीक है, ये अगला आंसर हो गया। अब आपको पता करना है DE, तो DE वेक्टर होगा माइनस ऑफ AB वेक्टर, AB वेक्टर कितना है P, तो ये कितना होगा माइनस P। इसके बाद आपको एक और वेक्टर पता करना है AE, अब AE ट्रायंगल से निकालो पॉलीगन से निकालो आपकी मर्जी है, AE वेक्टर आप लिखो AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, जो भी निकालना हो किसी भी तरीके से, मैं ऐसा कर दे रहा हूं ट्रायंगल लॉ लगा दे रहा हूं। AE वेक्टर है AB प्लस DE, AD कितना है आपने, AD वेक्टर आपने लिखा है 2Q, सॉरी 2Q,
और डी ई वेक्टर आपने लिखा है माइनस पी, तो क्या आंसर आएगा 2q माइनस पी। ए पता चल गया, अब फिर आपको पता करना है ई एफ, ये इसके एंटी पैरेलल है, देखो बी सी वेक्टर पता है, ई एफ पता करना है, तो ई एफ वेक्टर होगा माइनस ऑफ बी सी वेक्टर, कितना आएगा माइनस क्यू। ये एक लॉ ऑफ पॉलीगन पे क्वेश्चन, ठीक है, इसे नोट करिए।